उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कई जगहों पर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपर गढ़वाल कमिश्नर हरक सिंह ने अधिकारी को निर्देशित किया कि इस पर रोकथाम के लिए ठोस पहल करें। इस दौरान हरक सिंह ने कहा कि राजधानी में प्लास्टिक की बिक्री के साथ साथ वेडिंग पॉइंट गुरुद्वारे और मंदिरों में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जितने भी होलसेलर हैं उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है। अगर 1 अप्रैल के बाद उनके पास प्लास्टिक का कोई सामान पाया जाता है तो उन्हें सीज कर कार्रवाई की जाएगी। भाई आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा कूड़े का ढेर बनता जा रहा है और लोग कूड़े के प्रति थोड़ा भी लोग देख पा रहे हैं कि कूड़े का करने क्या क्या क्रम को। लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई देहरादून में हम लोग आज के बाद पूरा जो डिस्पोजेबल है आपका प्लास्टिक का थर्माकोल का ये पूरा डिस्पोजेबल हम चाहे गिलास हो या दोने हो पत्ते जो भी हो ये सब हम यहाँ बंद करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो जैसे पहले जमाने में पत्ता होता था ये पत्ता यूज करें और अगर पत्ते माना आप लोगों को खराब लगता है माना तो ये एक आजकल ये चेक करके आ रहा है इस तरह का काफ़ी अच्छा मटेरियल है। थोड़ा महंगा जरूर है मगर जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं वो लोग जरूर इसको यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं पहले तो आप डिस्पोजेबल यूज करो ही मत, आपके पास ओरिजिनल गिलास हैं प्लेट हैं आजकल पानी की कमी कुछ है ही नहीं। तो हमने यहाँ पर देहरादून में जितने वेडिंग पॉइंट या जो हमारे गुरुद्वारे हैं या मंदिर हैं इनमें तो हम लोग आज से ही बंद कर रहे हैं और हम लोग 1 हफ्ते बाद यहाँ पे इन्फोर्समेंट शुरू करेंगे। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की प्रिंसिपल किरण सूद को हटाने की मांग कर्मचारी से लेकर NSUI की छात्राएं विरोध कर रही है। आज NSUI की छात्राओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। छात्र नेता स्वाति नेगी ने बताया कि जिस प्रकार जिला अधिकारी द्वारा किरण को प्राचार्य नियुक्त किया गया है बिल्कुल गलत है। ITI के माध्यम से दस्तावेजों के उपलब्ध होने पर बात सामने आई है। लगभग 45 लाख रुपए का घोटाला किया गया था। जब एक महिला पर पूर्व से ही घोटाले के आरोप है तो उसको किस कानून के तहत जिला अधिकारी द्वारा प्राचार्य नियुक्त किया गया। वहीं उन्होंने कहा है कि तुरंत उनको हटाकर किसी योग्य पात्र को प्राचार्य बनाया जाए। प्रबंधन कमेटी इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है, इसमें मुझे लगता है DM सर के संज्ञान में मामला नहीं है कि उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन है। अगर शायद उनके संज्ञान में मामला होता तो वो किरण सूद को प्रिंसिपल नहीं नियुक्त करते। तो अब हम उनके संज्ञान में सब चीजें लाने वाले हैं कि वो 4 ऑडिट रिपोर्ट में और सारी कमेटी जितनी भी गठन हुई थी पिछले बार उनके खिलाफ उसमें सब में दोषी पाई गई है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनको इस पद से हटाया जाए। राजधानी देहरादून के MA मुर्गेशन के द्वारा एक अच्छी पहल करते हुए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि उनके द्वारा उपचार के लिए उपचार से पहले बनाने वाली पर्ची पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन होना चाहिए। इस पर जिलाधिकारी SM मुर्गेशन ने कहा है कि अस्पतालों में गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको जागरूक करने के लिए जो भी OPD पर्ची है उन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन और लोगो छपने के आदेश दिए। बेसिकली हर दिन महिलाएं आती है और जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह आते हैं सो उन लोगों के अवेयरनेस के लिए जो भी OPD स्लिप है उसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उसके बारे में जो स्लोगन है और उसका लोगो है उसको छापने के लिए निर्देश दिया था। एग्जैक्टली उसको देखकर कोई प्रेरित हो और उसमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन है समान एक बॉयज गर्ल्स को समान रूप से ट्रीट करने के लिए और उनको भी बढ़ावा देने के लिए सो वो है एक मैसेज लोगों तक आम जनता को पहुंचे हैं वही है। काशीपुर में आज दर्जनों मुखबधिरों और विकलांगों ने सड़क पर उतरते हुए प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें पड़ोसी प्रदेश में UP की तर्ज पर रोडवेज में फ्री यात्रा सुविधा दी जाए, साथ ही विकलांग पेंशन में वृद्धि करते हुए विकलांग आयोग का विस्तार किया जाए और मुखबधिरों व सभी विकलांगों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। इस दौरान मुखबधिरों और विकलांग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल ने सूबे की सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में BJP के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सड़कों पर उतरेंगे। उत्तराखंड को बने हुए 17 से 18 साल हो चुके, अब तक मुखबधिरों का डिपार्टमेंट अलग नहीं हो सका। पहले BJP की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार और फिर BJP की सरकार। विकलांग आयोग का गठन तो हुआ पर अब तक आज तक उस पर विस्तार न हो सका। आज स्थिति यह है कि अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वो यात्रा विकलांग और मुखबधिर फ्री में करते हैं। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड के अंदर के विकलांग और मुखबधिर यात्रा करते पैसे दे के करते हैं।